वृंदावन आप सभी को मेरा नमस्कार। जिस तरह मैं पहले अपना पोलिंग आई थी शायद मैं वैसी नहीं थी, क्योंकि ना पहले एक पढ़ाई में इंटरेस्ट ना कुछ किसी चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं था कि जीवन में क्या करना है। तो मैं जब अभिनव टोली में आई थी जब मैं फिफ्थ क्लास में थी, ना किसी चीज़ की समझ, और हमारी शुरुआत 5 बच्चों से हुई थी जो मेरे भाई हैं, मतलब मौसी के लड़के राहुल, हीना, गोलू और मैं और मेरी बहन थे। तो इन सबको आज 6 साल हो चुके हैं और हम कई बार बातें भी करते हैं कि बीच में कि जब हम अभिनव टोली में आए थे तो हमें कुछ का पता नहीं था। कल भी हम बैठे बैठे ये बात कर रहे थे कि जब आए थे तो ना हमें किसी चीज़ का ज्ञान था कि पढ़ाई में पढ़ाई किस तरह करनी है और पढ़ाई में आगे जाके पढ़ना क्या है और पेरेंट्स का किस तरह ध्यान रखे और किस तरह क्या करना है। लेकिन धीरे धीरे जब अभिनव टोली में आए तो ये सोच कर नहीं आए थे कि हमें क्या करना है, बस ये ठान रहे थे कि एक तो हो गया ना कि इमेजिनेशन दिमाग में पहले से कर लेते हैं कि हमें जाके क्या करना है, पढ़ाना है या फिर हमें पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, पहले हमें खुद पढ़ाया गया, साथ में सोनू दीदी और सर दोनों आए थे, जगदीप सर, तो इन्होंने पहले बताया कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। तो हमारे दिमाग में ये आया था कि हाँ भाई फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं तो क्यों ना जाके देखा जाए। लेकिन जिस तरह हम गए, जो सोच के गए थे वैसा नहीं, अलग ही दुनिया वहाँ पर मिली। जिस तरह सर दीदी का प्यार, कई जगह पर जाते तो जाति का भेदभाव मिलता है कि हाँ भाई ये बच्चे बहुत गरीब हैं, और उस तरह वैसे पागलों की तरह बन के भी जाते थे। लेकिन अब पर्सनैलिटी कुछ और है, अब पहले कुछ और थी, और साथ साथ में बच्चों को पढ़ाना भी हमने स्टार्ट किया। और जिस तरह बाहर के भैया पढ़ाने के लिए आते हैं, जैसे MSc डब्ल्यू कर रहे हैं शुभम भैया, वो हमें पढ़ाने के लिए आए, और इस तरह हमारी 10th भी पास हुई, 10th में हमने परसेंटेज भी हासिल किए, साथ में मेरा भाई राहुल भी है उसने भी परसेंटेज हासिल की थी। और इस तरह बाहर से हमारे पास लोग हेल्प करने के लिए आते रहते हैं, और जैसे कि आपको सुनीता मैम ने बताया कि डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा सर है, उन्होंने मेरी हेल्प की, तो इसका सारा हक जगदीप सर को जाता है और सोनू दीदी को, क्योंकि सर और दीदी मेरे चाहे किसी चीज के बारे में हर बच्चे के बारे में सोचते हैं कि किसी न किसी बच्चे को जो जरूरत है वो बच्चे को देनी चाहिए, तो सर और दीदी पूरा करवाते हैं। और रही मेरी बात फैमिली की, मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स और भी नानी नाना मौसी सब ने सपोर्ट किया है, तो इसका सब हक मेरी फैमिली को और सोनू दीदी को जाता है। थैंक यू सो मच। इसका संघर्ष सामने नहीं आया कि ये किस संघर्ष से निकलकर यहाँ तक पहुँची, और वास्तव में इस लड़की ने बहुत संघर्ष किया है।